कहा हूं। हनुमंत लाल जी को आप क्या कह दिया, कहा जामवंत जी कहते हैं कही रीच पद सुन हनुमाना काच प्रसाद रहू बलवाना, तुम चुप क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा अवतार ही प्रभु राम के लिए हुआ हुआ है, राम काज लग तब अवतार। और जैसे ये कहा कि तुम्हारा अवतार राम के लिए हुआ है, उसी समय हनुमान जी ने एक जयकारा लगाया, कहा जय श्री राम, जय श्री राम की आवाज करते हुए बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज खड़े हो गए और क्या कहने लगे। हनुमान जी कहने लगे जामवंत जी को कि यह बताइए कबसेन संग संहार निश्चर राम सीता यानी है, त्रिलोक पावन सुश्रमण नारदाद बखानी है। कहा कि मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है। जामवंत जी को हनुमान कहने लगे आप कहें तो सीता माई को पीठ पर बिठाकर राम जी के चरणों में ला करके उतार दूं, और आप कहो तो पूरी लंका को उखाड़ करके मैं समुद्र में जाकर के डुबा दूं, और आप कहो तो रावण को इतना मारूं रावण के लिए रोने वाले भी जिंदे न रहे। आप बताइए कि मुझे तीन में से कौन सा काम करना है, या तीनों के तीनों करने हैं। आप मुझे बताइए, आप कहें तो लंका को उखाड़ करके समुद्र में डुबा दूं, आप कहो तो रावण को मार दूं उसके लिए कोई रोने वाला ना रहे, और यदि आप कहें तो सीता माई को पीठ पर बिठाकर राम जी के चरणों में ला करके उतार दूं, मुझे तीन में से कौन सा करना है मेरे लिए आज्ञा दीजिए। तब जामवंत जी ने कहा तुम चौपट करके ही छोड़ोगे, डेढ़ बुलंदा आगे बोलते हो, तीनों में से एक भी तुम्हें नहीं करना, ना तो लंका को उखाड़ना है और ना तुम्हें राक्षस मारने हैं, राक्षसों को तुम ही मार दोगे तो राम जी जाके फिर क्या करेंगे, और ना जानकी माता को तुम्हें लेकर के आना है, सिर्फ और सिर्फ पता लगा करके समाचार लेकर के प्रभु के पास में लौट करके आ जाना है। हनुमान रामादल का वह भगत है जो कोई न कर सके, वह बजरंग बली श्री हनुमंत लाल।